भी नेता कैसे है? हमारी एकदम बकवास बकवास डंका बजा रहा है विदेशों में। आप वो डंका बजते ही जी की पार्टी होती है, जानते हैं। मैं तो बीजेपी का सपोर्ट करता हूं। बीजेपी के सपोर्टर हूं। हां तो क्या अच्छा रहा है 9 साल से कर रहे हैं? हमें मोदी अच्छा लगते हैं। मोदी अच्छा लगता है। मोदी जी एक ऐसा है कि वो किसी को लिखा हुआ भाषण नहीं बोलते हैं, अपना झूठ तो बोलते हैं लेकिन हाँ झूठ बोलते हैं। ये बात तो सही है, झूठ तो बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, पक्का है झूठ बोलते हैं। मजा आता है बाकी दूसरा कोई चेहरा नहीं है। अच्छा, 9 साल हो गए बीजेपी के कार्यकाल को, कैसे देखते हो? 9 साल हो गए बीजेपी के कार्यकाल को, कैसे देखते हो? कार्यकाल भाई बहुत अच्छा है। हाँ क्या क्या हुआ? क्या क्या हो, हमें तो सफाई लग रहा है, कोई गलती नहीं महसूस हो रही। 2024 में किसे जितवा रहे हो? अरे भैया किसे जितवाओ, सब बेकार हैं बहन चौध, किसे हम जितवाओ। सब बेकार हैं, सब याद अगर राहुल गांधी जी तो बढ़िया मजा आई जी थोड़ो। किसकी सरकार बननी चाहिए 2024 में, भाजपा या कांग्रेस? हमारे हिसाब से तो दोनों के तो हम खिलाफ ही हैं। फिर किसकी बननी चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो अखिलेश यादव का बनना चाहिए। सपा की बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए जी? क्योंकि अखिलेश यादव वो बहुत काम किए हैं। लेकिन सपा का जो वर्चस्व है वो यूपी के अंदर है। हाँ, यूपी और 2024 की केंद्रीय सरकार बनाने के लिए चाहिए तो पूरा देश में सीट, तो फिर कैसे बनेगी? तो उसमें तो बीजेपी को ही रहना चाहिए। बीजेपी को मतलब प्रदेश में आप सपा की चाहते हो? प्रदेश में हम सपा और बड़ी सरकार में मोदी को चाहते। सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार देखिए 24 में, 24 में मोदी जी की बननी चाहिए। पक्का? पक्का। क्यों बननी चाहिए? बननी ऐसे चाहिए कि देखिए सबसे अच्छा काम जो है वो मोदी जी का है। क्या? अरे रोजगार बर्बाद हो पहले, रोजगार नहीं है, रोजगार का हो गया। अरे दिल्ली कहाँ बढ़ रही है, महंगाई इतनी है, दिल्ली बढ़ नहीं रही है। यूँ बताते हैं कि 70 सालों में पहली बार रोजगार इतना कम हुआ जब से भाजपा की सरकार आई, मान लिया क्या आपने भी? लग रहा आपको भी काम तो बाकी तो सही हुए लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही ना, तो सैलरी तो जब और आपकी तो वही जरूरत है ना रोजगार की, रोजगार ही चाहिए। वही तो चाहिए जो है, सैलरी बढ़ नहीं रही, वही मिल नहीं रहा है। बाकी देखिए मोदी जी एक ऐसा है कि वो किसी को लिखा हुआ भाषण नहीं बोलते हैं, अपना झूठ तो बोलते हैं लेकिन हाँ झूठ बोलते हैं। ये बात तो सही है, झूठ तो बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, पक्का है झूठ बोलते हैं। मजा आता है बाकी दूसरा कोई चेहरा नहीं है। अच्छा, दूसरा कोई चेहरा नहीं है उनके अलावा, तो कोई दूसरा चेहरा नहीं। राहुल गांधी तो बोलते कि अगर जवान फिसल गई तो राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि हम अभी आलू डालोगे सोनाली काटोगे, मजदूरी करता हूँ। हम जानते हैं क्या करता हूँ, टाइल पत्थर लगाता हूँ। हाँ चल रही है, 1000-1200 मिलती है, बात इतनी हो रही है, बिल्कुल गुजारा क्यों नहीं होगा। 2024 में किसे जितवा रहे हो? अरे भैया किसे जितवाओ, सब बेकार हैं बहन चौध, किसे हम जितवाओ। सभी बेकार हैं, सब बेकार हैं, सब जो खड़ो ही पहले वो अपनो दिखी। मोदी पर आदमी इतना भरोसा कर दुमाने, देखो कई दी गाणी मारी। मोदी जी तो गरीबों के लिए देख रहे हैं, कल चुनका देगा तो बताओ। राशन दे रहे हैं तो सिलेंडर फ्री कर दिया यार, कहा सिलेंडर कहाँ फ्री कर दो, हमें ना मिलो सिलेंडर तो कम तो कर दिए 200 रुपये। और जिसको वो बनाओ ना है तो भाई कहाँ मिली बताओ, क्या फायदा है उसे, कुछ फायदा ना है। ऐसी बात नहीं, मेरा मूड मोदी में तब होते खराब है। मोदी से गरीबों को ये चाहते हैं कि गरीब चप्पल पहन के हवाई जहाज में बैठे। मैं जा कहा तो पहले गरीब ही नहीं रही, जो गरीब ही गरीबी खत्म हुई जी, ऑटोमेटिक हुआ था बिल्कुल। जब गरीबी रही ना ही, सब रही तो ही रही नहीं, तो मैं था चप्पल जूता कौन निर्णय है खत्म, डायरेक्ट रही आदमी सब लोग हैं तो बराबर, तब तो कोई बात ही ना है, चाहते सब बराबर उसमें रहे। बहुत तो भाई जब गरीबी तुम खत्म करियो, गरीब नहीं खत्म कर दियो तो गरीबी ऑटोमेटिक खत्म है बात हो। सरकार में गरीबी खत्म हो गए, हमारी नौकरी यदि 10,000 पर लगी थी, अब नौकरी छोड़ दे लेबरी मजूरी करने लगे। क्या मतलब? 25 कि 8,500 पर नौकरी कर रहे हैं हम, 8,500 पर ज्यादा था आए बिल्कुल। अगर महंगाई हो रही है तो सैलरी भी तो बढ़ी है, कच्चू सैलरी नहीं बढ़ी, दिल्ली में बढ़ी है। सौ सुनी जाती हमें, मान लो इतना कन्फर्म ना है लेकिन दिल्ली में रियल बड़ी है सैलरी। मोदी जी नेता कैसे है? हमारी एकदम बकवास बकवास डंका बजा रहा है विदेशों में। आप वो डंका बजते ही जी की पार्टी होती है, जानते हैं। आज तक मेरे गांव में लगभग 33-35 साल की मेरी उम्र आई,
लेकिन चाहे कोई सरकार भाई हमारी एक कॉलोनी ना बनी, मेरे घर में इतने वृद्ध आदमी रहे किसी की पहले दिन ना बनी। अब बताओ सरकार का हमारा मुंह तो यही नहीं करती बात भगवान का। हाँ मायावती कॉलोनी बनवाई, अखिलेश यादव ने बनवाई, कोई हमारे लिए कोई ना अखिलेश करो ना मायावती। गाँव का प्रधान तो साले भाई हुई और का कई देखो गाँव हुई कौन यादव या हुई ठाकुर। आवास योजना तो दे रहा है, मकान बना बनवा के दे रहा है। जैसे हमने अपनों बहुत डारो फार्म ठीक तुम पहुंचे दादागिर तुमने कटवाए दो वो हमारा बहन जो हम तक निर्णय ना ही बहुत। तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है? अरे मोदी जी की गलती ना है। क्या गलती है भाई साल माँ जैसे पाँच साल है मैं तो एक ना चेक करिए कि भाई आवे तो कोई मतलब जो मतलब ऊँचा साधन वाले हो वो तो चेक करिए आए सकते कि किस आदमी घर बनो की को ना बनो क्या भाव क्या ना भाव भाई तो वो कुर्सी पर बैठे है कि घर चेक तो करना है सकत गलत कह रहे। अब जो बीच जो नेता है जिला खुद नहीं खाई लेते नेता खा रहे हैं बीच वाले काम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे कर ही रहे लेकिन ये बीच के जो है चिमचा लोग तो खा ही रहे। अच्छा। और राहुल गांधी कैसे नेता? तो मान लो मैं अपने सही सही हैं लेकिन अब की याद आकर राहुल गांधी हुई तो बढ़िया मजा आई जी थोड़ो। अच्छा राहुल गांधी जीत जाए तो मजा आ जाए। सर क्या लग रहा है 9 साल हो गए बीजेपी के कार्यकाल को कैसे देखते? बीजेपी सही है। सही है क्या मैं तो बीजेपी का सपोर्ट बीजेपी के सपोर्टर हूँ। हाँ। तो क्या अच्छा रहा है 9 साल के हमें मोदी अच्छा लगते हैं। मोदी अच्छा लगता है। हाँ। 9 साल हो गए बीजेपी के कार्यकाल को कैसे देखते हो? 9 साल हो गए बीजेपी के कार्यकाल को कैसे देखते हो? कार्यकाल भाई बहुत अच्छा है। हाँ। क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ हमें तो सब सही लग रहा है, कोई गलती नहीं महसूस हो रही। आप वापसी कर रहे हैं जा रहे हैं? वापसी कर रहे हैं 24 में जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जाएंगे भाई। हाँ बिल्कुल जाएंगे। हाँ कोई हमें दिक्कत नहीं है। हाँ तो मोदी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं इस बार? तो मोदी नहीं योगी आएंगे अब। योगी आएंगे। हाँ मोदी का तो जान नहीं रहा।